साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के ऐलामिये पर रद्देअमल देते हुए कहा है कि अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है। बातल मिट कर रहेगा, इलेक्शन से पहले और बाद में इमरान खान के झूठे वादे सामने आ गए, इसे इबरत का निशान बनना चाहिए। सच सामने आ रहा है, अभी तो मेरे ख्याल है कि शायद 5-10% अभी सच सामने आया है, अभी बहुत और आएगा और ये बातल मुकम्मल तौर पर मिटेगा। ये इस बातल ने पाकिस्तान को जो हशर किया है ये कौम जानती है। पिछले 4.5 सालों में ज़मीन पे गिरा दिया है, ज़मीन बोस हो गई है हमारी मईशत। इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। इसने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया है जो हम कभी ख्वाब व ख्याल में कभी सोच नहीं सकते थे। किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, ना पार्लियामेंट को मानता है, ना अभी एक तुम्हारे खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन तुम मानो। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा अपना। पंजाब में क्या हो रहा है, सदर है भाई, तुम मुल्क के सदर हो, तुम किस तरह से अब ओथ नहीं दोगे, तुम किस तरह से अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको उनकी बजावरी नहीं करोगे। ये शख्स क्या है, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? मेरा ख्याल है कौम को सोचना चाहिए कि हम किस बंदे को ले आए हैं और किसको हमने अपने हमारे मुल्क के 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किया है।